आजादी मिली है, आर्थिक आजादी तो मिली नहीं, आर्थिक रूप से तो हम आज भी गुलाम है। बिल्कुल धन्यवाद। इस आजादी के मायनों के ऊपर हम 15 अगस्त को ज्यादा बात करेंगे, अभी स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जो देश के लिए बोल रहे हैं, इससे तो अच्छा है सबसे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और उसके बाद इनको जो सिंधे गृह मंत्री जो बोले हैं, ऐसे ऐसे गृह मंत्री को पाकिस्तान भेज के उठाकर भेज देना चाहिए। धन्यवाद। हम दर्शकों को पुनः प्रार्थना करेंगे कि जिस विषय पर हम कार्यक्रम लेकर आए हैं उसी पर बात करें, तो हम विषय को ज्यादा अच्छी तरीके से न्याय दे पाएंगे, नहीं तो एक ही विषय रोज रोज अगर आप रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, हाँ आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, प्रणाम सर। क्या कहना है आपको? हाँ तो साहब, वो आजादी की बात जो कह रहे हैं, 15 अगस्त की मनाने की बात, 26 जनवरी की, तो ये शहीदों की बात नहीं कह रहे हैं। शहीदों के गीत क्यों जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको याद करना चाहिए, उनकी बातें बताना चाहिए, उनको सारी चीज दिखाना चाहिए। देखिए तो अपने अस्तित्व को ही गीत गा रहे हैं, और देश को कैसे गुलाम करे, कैसे लूटे, ये सब व्यवस्था बता रहे हैं 26 जनवरी को। बिल्कुल, आजादी की तो बातें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? राजेश बोल रहे हैं बहरीन से। हाँ, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ये हम लोग का जो पहले जो हम लोग छोटे छोटे बुलाया जाता था, फिर जाते थे, राष्ट्रगान होता था और प्रभात फेरी होती थी। इससे क्या होता था कि उधर अपने प्रभात फेरी पूरे अपने मोहल्ले में, गांव में, स्कूल जहां है वहां पे होती थी। इससे अवेयरनेस बढ़ती थी लोगों में, लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम में, लोगों को सबको प्रेम था, बट थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ता था, लोग जागृत होते थे, तो कहते थे हाँ यार देखो आज 26 जनवरी है। हम इस दिन को इस तरह से यूटिलाइज करते थे। और बाकी इंडस्ट्री वगैरह का तो बंद होने का कोई सवाल नहीं, वहां पर तो जाकर के हमें अपने वर्किंग आवर्स को ऐड करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल धन्यवाद। अपने पुराने दिनों को तो सब याद करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा ही हमारे सामने आएगी, लेकिन हमारे इस नौजवान पीढ़ी और कल के पीढ़ी का क्या होगा? अगर ये पीढ़ी इन दिनों को भूल जाएगी, इनके महत्व को भूल जाएगी, तो आने वाला भविष्य क्या होगा? इतिहास और समाजशास्त्री कहते हैं कि जो पीढ़ी अपने गौरवशाली संघर्ष को भूल जाती है, उसका आने वाला दिन गुलामी का होता है। हम हमारे गुलामी के दिनों में किए हुए संघर्ष को भूल गए हैं, और इसलिए आने वाले दिन हमारे गुलामी के हो सकते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, आजकल के ये जो 26 जनवरी का एक पर्व मात्र ही रह गया है, हमारे यहाँ स्कूलों में क्या करते हैं, फिल्मी डांस और उस पर ज्यादा ये जोर दे रहे हैं। हाँ। एकदम से महत्व घटा दिया गया है, 26 जनवरी और 15 अगस्त का सिर्फ नाम मात्र हो गया है। हाँ। तो हम और पहले तो इतना बहुत बढ़िया होता था कि सुबह प्रभात फेरियां निकलती थी, आजकल तो नाम मात्र का सिर्फ, और जो बच्चों से इतना गंदे गंदे फिल्मों पर डांस करवाते हैं लोग। बिल्कुल, हम तो कुछ वीडियो आपके सामने दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ सुचिता और कुछ शालीनता के साथ हम कार्यक्रम को पेश करना पाते हैं, अन्यथा ऐसे ऐसे वीडियो आपको इन दो दिनों के मिलेंगे जो कि टीवी चैनल पर परिवार के साथ देखे नहीं जा सकते। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सुदीप है। मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 26 जनवरी के बारे में हो रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये जो भी सारी चीजें हैं, ये सिर्फ एक ढकोसला है। अगर अपनी पावर दिखानी है तो पाकिस्तान के ऊपर दो चार बम गिराओ, तब तो पावर का भी पता चलेगा, नहीं तो ऐसे दिखाने से क्या फायदा। बिल्कुल धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा 15 और 26 जनवरी है जिसके बारे में लोगों को पता है, या तो ऐसे भी वो होते हैं जिनके बारे में छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता लगता कि छुट्टी किस लिए हो रही है। बिल्कुल,
हाँ सर, और ये है कि अगर इमरान हाशमी एक दो फिल्म और निकाल दे तो उसके लिए पद्म भूषण स्वीकार हो जाएगा, लेकिन जो हमारे शहीद वहाँ शिरकत है उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। धन्यवाद। हमने पिछले बार सुदर्शन न्यूज ने कार्यक्रम किया था और हम कई सांसदों को, कई पार्टियों के नेताओं के दफ्तरों में हमने अपना माइक आईडी लेकर लोगों के पास भेजा था कि आज 26 जनवरी है क्या, तो कई लोगों ने कहा था, कई नेताओं ने, बल्कि कई सांसदों ने भी कहा था कि आज स्वतंत्रता दिवस है। यही कार्यक्रम हमने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पे किया था, तो कई लोगों ने कहा था ये रिपब्लिक डे है। हमने पूछा था इंग्लिश में क्या कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे। हमारे देश के राजनीतिक दलों के नेता, सांसद और विधायकों की यह स्थिति आपने सुदर्शन पर पिछले बार देखी थी, ये अगर स्थिति है तो इसको बदलने का सबसे बेहतरीन मौका इन दो दिनों में है। स्काइप पे चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हम टेलीफोन के कॉलर के पास चलते, स्काइप पर आवाज नहीं है। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए सर। मैं रजेश सोनी। हाँ बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, पहले ये देखना चाहिए वो खुद आजाद हैं क्या। मेरा ये मानना कि हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं वो खुद आजाद है, वो तो सोनिया जी के बिना पूछे काम नहीं कर सकते। कम से कम इस झंडे को लहराने का काम उन व्यक्ति को देना चाहिए जो क्रांतिकारी हो। स्कूल नहीं होता है, फिर वो कहेगा कि बच्चों को स्कूल है वो चला गया। क्या मां बाप छुट्टी, अगर सरकारी बाबू है तो छुट्टी क्यों मनाते हैं? निजी दफ्तरों में भी जाते हैं तो क्यों काम का निपटारा नहीं हो सकता, क्यों सामाजिक काम उस दिन नहीं हो सकता? हम दूसरे की तरफ उंगली करने के बजाय अपनी तरफ सारे दोनों हाथ दसों उंगलियां करके कहें कि यस मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है और हमको यह करना है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम राम हूं। हाँ, जो 26 जनवरी को छुट्टी देते हैं, जो हम स्कूल में जाता था, हमारा हाँ? जो ग्रुप है NSS, जो NCC है, उन लोग जाके कोई हॉस्पिटल, जो स्कूल का जो क्लीनिंग करता था, ओके, वो जो रिमेम्बर सब लोग को बताता था कि आज रिपब्लिक डे, आज इंडिपेंडेंस डे, हम लोग को स्कूल पढ़ता था तभी अब सब लोग बताता था। आज भी वही चल रहा है, कोई गलत नहीं है, छुट्टी देना है, किसी को मदद करना भी वही, एक दिन स्कूल के लिए छुट्टी देना जरूरी है, ऑफिशियल छुट्टी देना जरूरी है जी। लेकिन घर पे बैठना या ये जो जिस प्रकार के पैकेजेस दिए जाते हैं ये सही है? सही है, सही है, सही है। जो हम जो स्कूल में जाता था, कभी हम NSS में था, NCC में था, जब भी जाते हैं कोई हॉस्पिटल, जो प्राइमरी हॉस्पिटल, बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं। धन्यवाद। हम भी यही तो कह रहे हैं कि इस दिन घर में बैठने के बजाय सामाजिक काम करें, सोशल सर्विस करें, लेकिन छुट्टी लेके बच्चों को कहे कि जाओ अभी जहां घूमने जाना है वहां पर जाओ। अगले कॉलर। नमस्कार सर, विंदास बोल में आपका स्वागत है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। ये कुंभ महा स्नान क्या हिंदू आतंकवाद की श्रेणी में तो नहीं आता? लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, ये आतंकवाद तो नहीं है सर? इस पर अलग से बात करेंगे, चिंता मत करिए, इसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हम MMS देखते हैं कि MMS क्या कहना चाहता है। हमें तो ये लगता है कि छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं कि छुट्टी हो जाती है, छुट्टी कर देते हैं, अपना घर चले जाते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ रहा है, उनको पता ही नहीं है कि आज हमारे 15 अगस्त है या 26 जनवरी है। है कि कंपनियों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, जब लोग आएंगे, दो चार बैठेंगे, सब बैठेंगे, हमारे बॉस भी आएंगे, झंडा फहराएंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ आज हमारे देश, आज के दिन हमारा आज़ाद हो, हम आज़ादी को महसूस करेंगे।
स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। बोलिए सर। हाँ हाँ सर, मैं शिवाजी गुप्ता बोल रहा हूँ अबू धाबी से। हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक स्कूल और बंद और चालू होने की बात है, स्कूल तो हमें बताता है कि मार्गदर्शन किया जाए कैसे क्या है, आज का दिन क्या है और कल क्या था, तो ये हमें बताता है विद्यालय, हमें बताता है। अगर वो विद्यालय बंद किया तो बच्चों को क्या मालूम हुआ आज के दिन क्या था। हमें बहुत तकलीफ होता है कि हमारे देश में जो हमारे जो जवानों ने जिस बलिदानी को देकर आजादी पाई, आज वह चीज उस उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता है। हम लोग दूसरे मुल्कों में रहकर जो उत्सव देखते हैं उस समय हमें तकलीफ होता है कि अगर वह उत्सव हमारे यहाँ भी मनाई जाती तो आज उन बलिदानों का, आज जो जो हमारे वीर सपूत जो शहीद हुए देश की आजादी के लिए, आज वो कहीं और पहुंचे और हम उनके पूर्वज हम लोग कहीं और किस हिसाब से बैठकर अपने आप को दिखाते आ गए दूसरे देशों को भी। धन्यवाद धन्यवाद। कलर के बाद चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हाँ सुरेश जी, ऐसा है, हाँ ये जो जन्मदिन की जो छुट्टी ये छुट्टी जो मनाई जाती है हमारी, जन्मदिन पे अच्छी मरण दिन पे अच्छी लगती है, जन्मदिन पे नहीं अच्छी लगती। जन्मदिन पे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल मरण दिन पे अच्छी लगती है छुट्टी। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा कि ये मातम का नहीं, खुशी का माहौल है, उल्लास का माहौल है, उत्साह का माहौल है, इसे खुशी के साथ मनाना चाहिए, ना कि इसको बंद करके दुख जताने जैसा करना चाहिए। हम एक और एमएमएस आपको दिखाते हैं क्या कहता है। छुट्टी तो होना चाहिए, जो सरकारी पर्व की छुट्टी तो होनी चाहिए, लेकिन सरकारी पर्व का जो मतलब है, जो ये दिखाया गया है कि 26 जनवरी 15 अगस्त जो अपने देश के लिए है, लोगों को उनको वहां पे जाके देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर पे रजाई में ओढ़ के तो सोना नहीं चाहिए। आधी बात तो भाई साहब ने अच्छी कही कि रजाई में ओढ़ के नहीं सोना चाहिए, लेकिन सरकारी त्योहार इसको कहा है, ये सरकारी त्योहार नहीं है। इस देश को जो भी आजाद मानता है और जो भी इस देश को अपना नागरिक मानता है उसका ये त्योहार है, ये राष्ट्रीय पर्व है, ये हर व्यक्ति का पर्व है, हर व्यक्ति के लिए उल्लास का क्षण है, आनंद का क्षण है।